नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल। सो आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे कि ये शेयर है वो नीचे की ओर लगातार बहुत लंबे समय से आ रहा है, तकरीबन 3 साल से यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है। हमको यहाँ पे अभी बाइंग करनी चाहिए कि नहीं 50 रुपये के लेवल के ऊपर, या फिर अभी हमको इसमें कुछ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। सो यहाँ से हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि यहाँ से आपको बाय करना चाहिए या सेल, या आप इस शेयर से दूर रहें। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए वो आपके तक आराम से पहुँच सके। सो साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे मैं डेली इंट्राडे कॉल्स वगैरह देता रहता हूँ। सो अगर आप भी यहाँ पे इंट्राडे में अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मैं यहाँ पे इसमें कोई भी कॉलिंग ट्रेड इंट्राडे कॉल्स की कोई जो भी कॉल देता हूँ सारी कुछ फ्री होती है, इसमें कोई भी मेरा पैसा नहीं मैं आपसे लेता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो तकरीबन नीचे की ओर ये आ रहा है, इसका जो डाउन ट्रेंड बना हुआ है वो लगातार यहाँ पे बना ही हुआ है, अभी यहाँ पे इसमें कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिल रही। सो यहाँ पे आप देखिए तकरीबन 2017 से ही ये जो शेयर था वो तकरीबन 200 का हाई बनाने के बाद उसके बाद यहाँ से ये नीचे की ओर आने लगा। सो यहाँ से इसका डाउन ट्रेंड आप साफ देख सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ से अभी 50 रुपये के लेवल के आसपास घूम रहा है। सो हमको यहाँ पे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए? सो यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे इसकी एक गिरने की वजह ये भी है क्योंकि येस बैंक जो है वो बिल्कुल ही पिछले एक दो साल में यहाँ से नीचे की ओर आता रहा है, अभी बर्बाद होने की कगार पे पहुंच गया था। इसी वजह से जो लोग नीचे छोटे बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे PSU बैंक में लोग पैसा ज़्यादा डालना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इसका जो ग्रोथ है वो भी अभी सालों साल यहाँ से नीचे की ओर आने में को देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी बैंक को यहाँ पे थोड़ा सा अभी नुकसान भी झेलने को पड़ रहा है और इसी कोरोना वायरस की वजह से अभी और भी यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल भी कोई भी आराम नहीं है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए शेयर जो है तकरीबन कोरोना वायरस से पहले यहाँ पे 100-90 के आसपास यहाँ पे घूम रहा था, लेकिन उसके बाद इसमें बड़ी लंबी गिरावट आप देख सकते हैं नीचे की ओर आई। एक बार यहाँ पे एक स्पाइक आया ऊपर की ओर, लेकिन ये भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से नीचे की ओर आ गया। सो यहाँ पे मैं आपको निफ्टी बैंक का यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ। सो निफ्टी बैंक आप देखिए, ये जो स्पाइक आया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आया था, उसके बाद ये फिर से नीचे की ओर आ गया, लेकिन उसके बाद इसने एक लो बनाने के बाद फिर से एक अपसाइड की ओर मूव दिखाई, फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से अपसाइड की ओर मूव दिखाई और अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को टच किया। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा है। देखिए जैसे यहाँ पे इसने स्पाइक दिखाई, उसके बाद फिर से ये शेयर जो है वो नीचे की ओर ही आया, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 दिन यहाँ पे इसमें अच्छी बाइंग हुई, लेकिन फिर से ये शेयर जो है नीचे की ओर आ गया। अभी फिर से यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ से कहूँगा कि ऐसे आज के दिन अभी फैसला लेना है इंडियन गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे लॉकडाउन और चल सकता है कि नहीं। इसी वजह से जो कल के दिन यहाँ पे जो सारी जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे की ओर आ सकती है। तो यहाँ से मैं कहूँगा आप कल के दिन अगर रुक जाइए, अगर मान लीजिए ये शेयर जो है वो इसी के लेवल के आसपास ही रहता है कल के दिन भी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 दिन यहाँ इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, वो भी वॉल्यूम के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अगर यहाँ पे कल के दिन या फिर मंडे के दिन यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तब हम कह सकते हैं कि एक बार अपने यहाँ पे 20 डे के मूविंग एवरेज को टच ज़रूर करने को आएगा, उसके बाद फिर से ये शायद थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाए, लेकिन एक बार अपने 20 डे के मूविंग एवरेज को टच जरूर करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने यहाँ पे लास्ट बार इसके पास आया था 20 डे के मूविंग एवरेज के बाद, उसके बाद यहाँ से एक गैप बना हुआ है, उसके बाद जो शेयर है अभी 20 डे के मूविंग एवरेज को टच ज़रूर करेगा। सो यहाँ से मैं कहता हूँ आप अभी यहाँ बिल्कुल भी बाइंग मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी 2-3 हफ्ते जो हैं, सॉरी 2-3 महीने जो है, जब तक कोरोना वायरस का इलाज नहीं मिल जाता, तो तब तक ये शेयर मार्केट जो है वो नीचे की ओर आती रहेगी। जब तक यहाँ पे कोई अच्छा बहुत बड़ी यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होती, तब तक आप किसी भी बैंक में या किसी भी शेयर में अभी खरीदारी ना कीजिए। आपको वही अगर करनी है खरीदारी, तो आप बहुत बड़े बड़े बैंक जैसे HDFC बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में लोग ज़्यादातर बाइंग कर रहे हैं, छोटे बैंकों को यहाँ पे दूरी रख रहे हैं। आपको भी अगर बाइंग करनी है तो वहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से इस शेयर से अभी तक दूरी रहिए, क्योंकि ये शेयर अभी देख सकते हैं हम डाउन ट्रेंड में आ रहा है। आने वाले दिनों में हमें ये तकरीबन 30-40 के लेवल के ऊपर भी हमको देखने को मिल सकता है, अगर इसी तरह इसमें गिरावट चलती रही तो।
सो अभी मैं यही कहूँगा कि अभी जब तक यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन, एक महीना यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन नहीं होती तब तक आप इस शेयर में बिल्कुल भी बाय मत कीजिए, क्योंकि ये शेयर ऐसा नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल एक बार रिवर्स हो जाएगा। ये शेयर पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था, पिछले 3 साल से ये नीचे की ओर ये आ रहा है और यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से और से और नीचे से नीचे आ गया है। तो यहाँ से मैं यही कहूँगा भी इस शेयर से दूरी रहिए आप। अगर आपको बाइंग करनी है तो आप तकरीबन 30-40 के लेवल तक अगर एक दो महीने के अंदर अंदर आता है तो आप उस लेवल के अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी इस शेयर के 50 रुपये का शेयर जो है वो भी मेरे को अभी महंगा लग रहा है। अभी आप थोड़ा टाइम इसमें वेट कीजिए, अभी कोई भी इसमें ट्रेड वगैरह भी लेने की कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अभी शेयर मार्केट जो है वो और भी नीचे की ओर आ सकती है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी उनकी किसी भी शेयर के रिलेटेड यहाँ पे क्वारी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।